Hey guys and what's up, it's Devesh back it again with a fresh video. So आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम. सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, जो कि यूनिट नंबर 4th है हमारी. और आपको पता ही होगा बीकॉम प्रोग्राम की, जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं सबके लिए प्लेलिस्ट बेनिफिशियल होने वाली है. सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, उनके अंदर यहाँ पे सेमेस्टर में बुक भी आई हुई है वाली. और इसका आज हम करवाने वाले हैं यूनिट 4th का चैप्टर नंबर 2. मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाली थी, आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी वीडियो के लिंक है, प्लेलिस्ट के अंदर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है. यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वही प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप चेकआउट कर लेना एक बार. डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वीडियो का, ठीक है. आज हम करवाएंगे यूनिट 4 का चैप्टर 2, बाइंग मोटिव्स एंड मोटिवेशन. तो इसको चालू कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी इंग्लिश मीडियम में नोट्स परचेस करने हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, सारे टॉपिक्स मिलेंगे नोट्स में. परचेस करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे. नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर देखो, ऊपर भी आपको सोना सोना दिख रहा होगा. बस आपको क्या करना है, कॉल करनी है और कॉल करके आप नोट्स परचेस कर सकते हो. हम आपको बता दें कैसे आपको परचेस करना है. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों. तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बाइंग मोटिव्स एंड मोटिवेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2nd है. तो चैप्टर नंबर 2nd में सबसे पहले दो टर्म्स और कंडीशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो दो वर्ड्स पढ़ने हैं यार तुम लोगों को. पढ़ो ना, तुम क्या यार देख रहे हो इधर. तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंग मोटिव्स की और मोटिवेशन की. पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, बस हम बाइंग मोटिव को थोड़ा देर में पढ़ेंगे. थोड़ा देर में कहने का मतलब है थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है सेपरेट, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सारे चैप्टर्स हैं वहां से भी आप देख सकते हो. आज हम पहले पढ़ेंगे मोटिवेशन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मोटिवेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन. तो पहले देखो इंट्रोडक्शन तो बारो भाड़ में गया, गोली मारो उसको, ठीक है. पहले मैं सिंपल सी बात में बताता हूं आपको मोटिवेशन क्या होता है. सपोज करो, सोचो कि आप बहुत गरीब हो. क्या हो, आप बहुत गरीब हो. गरीबी में आटा गीला, आपके गरीबी में आटे में गीला हो रहा है, ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, देखो आपने आटा साना, आपके पास अब यहाँ पे खाने के लिए रोटी के साथ कुछ भी नहीं है. मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप क्या हो, एक गरीब हो, ठीक है. अब आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सोचते हो मैं रोटी सूखी कैसे खाऊं. उतने में फिर मैं प्रकट हो जाता हूं, ठीक है. बोल सकते हो मैं एज अ गॉड, भगवान, मैं आपके सामने आया और मेरे पास है बहुत सारे पैसे, ये मेरी जेब में पैसे पैसे भरे पड़े हैं और मेरी जेब से पैसे गिर रहे हैं, टपक रही है रही सी मेरी शकल से, हालांकि नहीं दिखती वो बात अलग है, मगर टपक रही है. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को क्या है, आप लोगों ने अभी आटा साना था, रोटी बनाई थी, मगर आपके पास खाने के लिए दूध दूध नहीं है. आप लोग क्या हो, यहाँ पे बेकार बैठे हो, काम चोर हो, कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल. मैंने बोला कि भाई देख मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तेरे को इस रोटी के साथ खाने के लिए सब्जी दाल पकवान सब दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, बस तुझे मेरा काम करना है. बस बात क्या थी, फिर मैंने पैसे का नाम लिया, आपके अंदर इच्छा जागरूक हो गई, इच्छा जागरूक हो गई कुछ करने की, मर मिटने की, गला काट देने की किसी की भी. नहीं नहीं नहीं, बस रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ, गला वाला नहीं कटवाना, बस पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ, मोटिवेट करने का. तो देखो मैंने जब आपको पर्सन नंबर ए और मैं हूं पर्सन नंबर बी, मैंने जब पर्सन नंबर ए को कहा कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है, 10,000 रुपए दूंगा किस चीज के लिए, बस तेरे को क्या करना है, तेरे घर में पानी तो होगा एक गिलास, तो मेरे लिए बस तू पानी ले, मैं तेरे को 10,000 दूंगा जिससे तू अपनी सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर जो खाना चाहता है खा लियो. तो ये भागा भागा गया मेरे लिए पानी लेके आ गया, ठीक है, वाटर लेके आ गया, मैंने पानी पी लिया, मैंने इसको 10,000 दिए. तो ये क्या होता है, मोटिवेशन होता है पैसों के बदले. अगर किसी काम को करने के लिए, मान लो कोई काम करने के लिए पैसे किसी को दे, या फिर किसी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी पैसे दिए जाए, तो ये मोटिवेशन कहलाता है. समझ आ गया. तो मोटिवेशन का सिंपल सिंपल मतलब क्या है, अगर मान लो कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर कोई इच्छा जगा दे, ठीक है, या फिर उत्सुकता जगा दे, उसको बोलते हैं मोटिवेशन. अगर आपको कुछ करने के लिए ऐसा कोई प्रेरित करे तो अब यहाँ पे आ जाए इंट्रोडक्शन पे. ये सारा एग्जाम्पल था, इसको भाड़ जाओ, इसको भूल जाओ सब के सब, ठीक है, इसको दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ. तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे. यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन इज डिफाइंड एज ए प्लान्ड मैनेजरियल प्रोसेस. मोटिवेशन जो है एक प्लान्ड मैनेजरियल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर सारी चीजें पहले ही डिफाइन होती है कि अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सारी चीजें पहले से वेल डिफाइंड होती है. कह रहा है व्हिच स्टिमुलेट पीपल टू वर्क टू देयर द बेस्ट ऑफ द देयर कैपेबिलिटीज. कह रहा है इसमें जो है ना लोगों के परिश्रम का, ये बोल सकते हो लोगों के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी कैपेबिलिटीज है, उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना, ये मोटिवेशन की एक खूबी होती है.
कैसे, मान लो सपोज करते हैं एक आदमी है जो बड़ा हट्टा कट्टा है, मतलब कि काफी ज्यादा हष्टपुष्ट है, और वो एक बार में 10 ईंटों को उठा सकता है। कितनी ईंटों को उठा सकता है? 10 ईंटों को उठा के छत तक ले जा सकता है, मगर वहीं उस जगह वो आदमी 6 ईंटों को उठाता है, 10 को नहीं उठाता। तो यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटीज जो है ना वो 10 है, मगर लेके कितनी जा रहा है? 6। तो यहाँ पर कमी किस चीज की है भैया? मोटिवेशन की। तो इसको जब मैंने मोटिवेट करा कि अगर तू यहाँ से 10 से 6 ईंटें है ना जो तू अभी उठा रहा है, अगर तू 6 से वापस 10 ईंटें उठाएगा तो मैं तेरी शादी कैटरीना कैफ से करवा दूंगा। तब ये भागा भागा गया तेज की, और इसने सारी के 10 तो छोड़ो, ये बंदा 100-100 ईंटें ले जाने लगा, दो दो तो मुंह में डाल के ले जाने लगा, 10-10 पैरों में दबा के। तो भाई किसी भी तरह लेके तो गया। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन की अच्छे से किसी भी कंज्यूमर या एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को यूज करने का तरीका, ठीक है, मोटिवेशन होता है। आगे लिखा है them with motives which is based on their unfulfilled needs। कह रहा मोटिवेशन जो है ना वो अनफुलफिल्ड नीड्स के ऊपर टिका होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अनफुलफिल्ड नीड्स ऐसी नीड्स जो पूरी नहीं हुई मगर आप पूरी करना चाहते हो, आपके अंदर इच्छा है मगर नहीं कर पा रहे हो। मोटिवेट आपको चांस देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, आप अपनी अनफुलफिल्ड नीड्स को पूरा करो। अब कैसे पूरा करोगे? मैंने क्या बताया था, आप चाहते हो ना कि आपको यहाँ पे पैसे मिले या फिर आपकी शादी कैटरीना कैसे हो, तभी तो ये बंदा 100 ईंटें लेके गया था। तो सेम इसी तरह से अगर किसी को भी कोई इच्छा है, मान लो कोई भी किसी एम्प्लॉय की इच्छा है जो पूरी नहीं कर पा रहा, अनफुलफिल्ड है, उसको मोटिवेट करोगे तो वो पूरी करना चाहेगा। समझ आ गया मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट? अब आते हैं प्रोफेसर की डेफिनेशन पे। तो देखो यहाँ पे लिखा, अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट विलियम ने, एक प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर बाकायदा अच्छी डेफिनेशन लिखी थी। कह रहा है मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ सिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन। कह रहा है मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हो, किसी काम को एक्शन में करने के लिए प्रेरित करते हो, ठीक है। अगर वो खाली बैठा है, मान लो एक आदमी है जो यूं लेटा पड़ा है, ठीक है, अपनी टांग पे टांग पसारे लेटा पड़ा है, ठीक है। अब इस बंदे को कोई काम वाम तो है नहीं, है ना, तो ये बंदा बस ऐसे ही सो रहा है। और मैंने इसको कहा, यार तू ऐसा सो क्यों रहा है, मेरे लिए पानी लिया? ये कहने लगा, मैं नहीं ला रहा क्योंकि इसके अंदर इच्छा ही नहीं है, मैं इसको दे क्या रहा हूं, उसके बदले रिवॉर्ड तो नहीं दे रहा ना। मैंने इस चीज का बोला, अगर तू मेरे लिए पानी लेके आता है गिलास तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये बोलने की देर थी, पूरा मटका उठा लाया फिर इतनी देर में, तो ठीक है। तो भाई बस ऐसी बात होती है, किसी भी आदमी को काम करवाने के लिए मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेशन एक प्रोसेस है, वो रिवॉर्ड की प्रोसेस होती है। लिखा उसके बाद टू एकम्प्लिश्ड डिजायर्ड गोल्स, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए मोटिवेशन एक बेस्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद नीचे लिखा द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अब नीचे फीचर्स और मोटिवेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको पॉइंट पॉइंट बताऊंगा। पहला आता पॉइंट पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग। कह रहा है पर्सनल और इंटरनल फीलिंग, अंदर की इच्छाओं को जगाना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है नीड बेस्ड, ऐसे आदमी की मतलब कि जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नीड देखनी चाहिए। मान लो अभी मेरे को यहाँ पे भूख लग रही है, बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, मेरे पास कोई आदमी आता बोलता है मेरे लिए ये काम कर ले, मैं तेरे लिए सोने का महल बनवा दूंगा। अरे मैं क्या करूंगा सोने का महल, मेरे को अभी किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है, भूख की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड बेस्ड होता है बिल्कुल मोटिवेशन। उसके बाद लिखा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब लगातार चलने वाली, लंबी समय तक चलती है। उसके बाद लिखा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्ति इंसान के दिमाग में होती है, बस निकालने की देर है। उसके बाद लिखा प्लैंड प्रोसेस, मैंने आपको बताया था प्लैंड प्रोसेस होती है, मैनेजरियल होती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम जॉब सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन एक अपने आप में ही अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है जो कि जॉब से बिल्कुल हटके होता है, ठीक है। जॉब में आपको टारगेट अचीव करने पड़ते हैं, ये टारगेट है, वो टारगेट है, या मोटिवेशन में आपको अपने टारगेट खुद से दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उसके नीचे इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो अब हम आ गए हैं इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन की कुछ इंपोर्टेंस, कुछ महत्व, कुछ अच्छे कुछ विचार आपको पेश करेंगे, ठीक है। पहला आता है यहाँ पे मोटिवेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, अपने उद्देश्य को या अपने लक्ष्य को पूरा करने के पीछे ही अग्रसर होता है। उसके बाद लिखा सेकेंड हायर द लेवल ऑफ मोटिवेशन मोर विल बी प्रोडक्टिविटी ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ गोल्स अचीवमेंट। कह रहा है ये जो है ना हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, बोल सकते हो हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और अपने कंज्यूमर्स को ऐसा मतलब कि मोटिवेट कर देता है कि वो अपने गोल्स से आगे नहीं जा पाते, मतलब कि गोल्स को अटेन करना चाहते हैं, हर चीज उनको बस चाहिए, गोल अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड का
द कॉर्पोरेट इमेज एंड हैंस अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सनल। कह रहा है यहाँ पर एक क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो क्वालिफाइड पर्सनल्स, या बोल सकते हो अच्छे लोग, काम चलाऊ लोग नहीं, अच्छे लोग, वेल स्किल्ड लोग, जिनको आगे करने की इच्छा हो, ऐसे लोगों को मोटिवेट में रखा जाता है। उन लोगों को मोटिवेट करने का क्या फायदा, अगर मान लो जैसे मैंने बताया था वो आदमी लेटा हुआ पसरा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, तो मोटिवेट भी करके पैसे भी देके कुछ लोगों को फायदा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा नेक्स्ट, मोटिवेशन इंश्योर इफेक्टिवनेस, या फिर बोल सकते हो इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर एब्सेंटीज इज रिड्यूस। कह रहा अगर आप अच्छे तरीके से किसी को मोटिवेट करते हो या फिर अच्छे तरीके से उसको कुछ समझाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं ना, मानव संसाधन, संसाधन मतलब मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इन सबका अच्छे से इस्तेमाल भी होता है, साथ ही साथ एब्सेंटीज जो है ना वो रिड्यूस होती है, पीपल एब्सेंटीज, लेबर एब्सेंटीज जो है रिड्यूस होती है, लोगों को जो आना जाना है ना वो कम होता है। मतलब कि इससे कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो आप अच्छे से काम करवाते हो, किसी को अच्छे से मोटिवेशन कराते हो ना, तो यहाँ पर जो लोग पहले 10 लोग छुट्टी मारते थे ना कंपनी में, अब वो सिर्फ 2 या 3 लोग छुट्टी मार रहे हैं, एब्सेंटीज जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, समझ आ गया। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है आप उतारो, उसके बाद में नेक्स्ट लिखवाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक जितना भी मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये उस पर आप स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आपकी जो बुक्स है उसके अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था मोटिवेशन का, मार्शलो थ्योरी ऑफ नीड्स हेरेसी। देखो मार्शलो की जो थ्योरी है ना, ये बहुत पुरानी थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, क्योंकि कम से कम 9 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ मार्शलो थ्योरी के अंदर का आता है, ठीक है। मार्शलो थ्योरी के अंदर एक पिरामिड होता है, ये बोल सकते हो पिरामिड होता है, जिसके अंदर 5 कैटेगरी में मार्शलो थ्योरी को डिवाइड किया गया है, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 5 टाइप्स का जो ट्रेड बना देती है ना आपस में, तो ये सारे ट्रेड्स को ही आपको एग्जाम में पूछेगा और पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको पहले मार्शलो थ्योरी के बारे में लिखना है, ये ट्रेड्स लिखोगे, मेन मार्क्स ट्रेड्स के हैं, सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, फिर आपको उसके कुछ एजम्पशन या बेनिफिट्स या फिर क्रिटिज्म आपको लिखने हैं, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए, मैंने तो अभी ये बताया आपके पेपर का, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले मार्शलो थ्योरी के बारे में। मार्शलो थ्योरी एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके इस चैप्टर के अंदर। पहले यहाँ पर लिखा है मार्शलो थ्योरी, कह रहा है इट इज साइकोलॉजिकल थ्योरी, मतलब कि ये थ्योरी जो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसमें हम नॉर्मल नीड्स, नॉर्मल वांट्स, नॉर्मल एस्टीम और नॉर्मल सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। एक कंज्यूमर जो होता है या एक आदमी जो होता है, एक पर्सन जो होता है, उसकी कौन कौन सी नीड्स जो है वो नॉर्मल टाइप के सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, कौन सी नीड्स जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है कंज्यूमर को या एक पर्सन को, वो सारी हम मार्शलो में पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं। आगे लिखा मार्शलो स्टेट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन नीड्स and these human needs। कह रहे हैं मार्शलो की जो थ्योरी है ना, ये एक मोटिवेट थ्योरी भी बोल सकते हो, एक तरह से मोटिवेट थ्योरी है कि किसके बाद क्या स्टेप करें, किसके बाद क्या स्टेप करें, किस चीज को अचीव करने के लिए कौन सी थ्योरी लगेगी, तो वो सारा इन्होंने बताया। आगे इसके बाद लिखा और अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, कह रहे हैं इन्होंने जो अपनी थ्योरी है ना वो किस तरह से लगाई है, एक अकॉर्डिंग लाइन से लगाई है, मतलब कि जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी देख देख के, पहली चीज, प्राइमरी चीज आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, जब आपको वो मिल जाए तो आपको उसके बाद क्या फोकस करना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब आपको बताएंगे। देखो पहली बात, सपोज करो मैं यहाँ पे अभी नंगा पुंगा खड़ा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाथ जी कुछ भी नहीं है, ठीक है यार वो तो है, तो देखो अब सारी चीज नहीं मेरे पास है नहीं, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी नीड्स क्या होगी, सबसे पहले मेरे को क्लॉथ मिल जाए क्योंकि मैं नंगा पंगा खड़ा हूँ, क्लॉथ चाहिए, खाने का कुछ चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, अभी मान लो पीके की तरह एयरप्लेन से आया हूँ, खाने का मिल जाएगा तो उसके बाद मेरी प्रायोरिटी नीड्स जो है पूरी हो जाएगी, पानी, हवा, पानी, वेयर, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें मिल गई तो प्रायोरिटी नीड्स पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या चाहूंगा, अब मेरे को ये मिल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, खाना मिल गया, मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए भैया और बढ़िया चीज, और मान लो फ्रेंड्स चाहिए, मेरे को दोस्त चाहिए, ठीक है, जब दोस्त मिल जाएंगे फिर मैं सोचूंगा मेरे को बंगला चाहिए, बड़ा सा आलीशान सा महल चाहिए, जिसमें मेरी एक लग्जरी कार हो, मेरी खुद की लग्जरी नीड्स चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने प्रायोरिटी नीड्स, प्राइमरी नीड्स, सेकेंडरी नीड्स, थर्डरी नीड्स, सारी नीड्स को मार्शलो के अकॉर्डिंग रखा है, जो कि लाइन से रखी गई है। यहाँ पे उसके बाद लिखा
दे क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज एंड और अरेंज्ड इन देयर प्रायोरिटीज। कह रहा है इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है जो मैंने आपको बताया था, और पांचों कैटेगरी याद करनी है एकदम कट टू कट, एक एक वर्ड याद करना है आपको, सारी चीजें बताऊंगा कैसे याद करना है। तो आइए यहाँ पे फोकस मारते हैं। पहली नीड्स आती है साइकोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहली नीड जो आती है ना ह्यूमन की, जब वो नंगा पुंगा आसमान से उतरता है ना पीके की तरह, तो भैया बिल्कुल साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव ऑफ फूड्स, मतलब कि खाने, भुखमरी की तरह मर रहा है वो बंदा, खाने के बिलाले पड़े, तो यहाँ पे पहली नीड्स होती है इंसान को खाना मिल जाए बस, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहता, अगर मरेगा ना इंसान तो बोले बस खाना खिला दिया और कुछ भी नहीं चाहिए। पहले मान लो हमने उसको खाना खिला दिया, हमने उसके साइकोलॉजिकल नीड्स का पहला पार्ट पूरा कर दिया, अब उसका क्या है, उसकी लालसा बढ़ जाएगी। जैसे उसको खाना मिलेगा ना उसकी लालसा और बढ़ जाती है, वो बोलेगा अब मेरे को क्लॉथ चाहिए भाई, अब मेरे को क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, तो मेरे लिए एक अच्छे से सूट सिलवाओ, अम्बानी जैसा रईस वाला सूट, ठीक है, गुच्ची के जूते, गुच्ची की शर्ट, तो भाई ऐसी नीड्स उत्पन्न होगी ना, तो यही तो है, इसको बोलते हैं क्लॉथिंग। फिर आता है एयर वाटर शेल्टर। एयर वाटर शेल्टर में क्या होता है, हवा चाहिए उसे, पानी चाहिए, शेल्टर मतलब छाया चाहिए, रहेगा कहाँ, एक घर चाहिए उसको, ये प्राइमरी नीड्स होती है जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, समझ आ गया। तो रोटी कपड़ा मकान की जो नीड्स है इसको साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है, मास्लो की थ्योरी का पार्ट नंबर 1, ठीक है। सेकंड जो नीड्स आती है उसको हम बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब देखो ये सारी चीजें पूरी हो गई, अब हमें क्या चाहिए भाई, थोड़ी सी सेफ्टी भी तो चाहिए। मान लो कहीं भी हम रोड पे सो रहे हैं तो कोई भी कुत्ता आगे पार लेगा, पीछे 8 मार्क्स का निशान छोड़ के चला जाएगा, या फिर हम मान लो कहीं भी ऐसे अनाथ आश्रम में कहीं भी पड़े कूड़े वाली गाड़ी हमें कूड़ा समझ के उठा के ले गई, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हमें रूल्स चाहिए, हमें अपने आप को बचाना है, तो हमने बनाई यहाँ पे सेकेंड नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सॉरी हमने नहीं, मार्शलो ने बनाई, क्या बनाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर लिखा है इकोनॉमिक नीड्स है सारी की सारी, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड सेटिस्फेक्शन। हर एक बंदे को उसकी सेफ्टी का, उसके सेटिस्फेक्शन की नीड्स की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। पहली नीड्स कौन सी थी, फिजिकल नीड्स बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल नीड्स। सेकंड नीड्स कौन सी आई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब देखो ये जो दोनों नीड्स थी ना, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली, दोनों ही लोअर लेवल की नीड्स होती है, इसको हम क्या लिखेंगे, LOWER, लोअर लेवल नीड्स। क्या लिखेंगे, लोअर लेवल नीड्स। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों एक प्राइमरी नीड्स की तरह काम करती है, और दोनों की दोनों ऐसी नीड्स है आमतौर पे जो जनरल में जारी होती है, मतलब कि बोल सकते हो जनहित में जारी, और नॉर्मल हर किसी इंसान को ये नीड्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद की जो नीड्स है ना, वो चाहे मिले चाहे ना मिले, इंसान जी लेता है इन दोनों के सहारे, ये मेन होती है। अब जो मैं नीड्स बताऊंगा ना, वो तीन जो नीड्स हैं, 5 नीड्स हैं, उसमें से 2 होती है लोअर लेवल, फर्स्ट 2 वाली, सेकंड उसके बाद आती है जो आती है 3rd से 5th तक जो कैटेगरी, उसमें आती है हायर लेवल ऑफ नीड्स। मतलब कि जब ये दोनों नीड्स पूरी हो जाएगी तो इंसान चाहता है कि ये नीड्स भी पूरी हो, तो इसको बोलते हैं हायर लेवल ऑफ नीड्स। यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, बस समझा देता हूं, हायर लेवल ऑफ नीड्स। थर्ड आती है हमारी, सेकंड हमारी पूरी हो गई सेफ्टी, इंसान की सेफ्टी हमने पूरी कर दी, अब इंसान क्या चाहता है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में वो चाहेगा सोशल और एप्लीकेशंस नीड्स। कह रहा है सोशल और एप्लीकेशंस नीड्स, इसके अंदर क्या क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके कोई दोस्त हो, उसको कोई प्यार करे, ठीक है, उसके कोई ऐसे रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंडशिप हो, सर्कल्स हो, ग्रुप्स हो फ्रेंड का, जो उसके साथ रहे, ठीक है, अकेला नहीं रहना चाहता, सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लव, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और एटसेट्रा, जिसको हम बोलते हैं सोशल एंड एप्लीकेशन नीड्स। समझ आ गया, दो नीड्स तो पूरी हो गई, खाना खा लिया, सेफ्टी कर ली, अब क्या करना है, लाइफ में करने के आए हो भाई, तो इसके लिए बातचीत करने के लिए दोस्त तो चाहिए, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम कुछ तो चाहिए यार, दोस्त नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एटसेट्रा, रिलेटिव, सब के सब आते हैं पॉइंट नंबर 3rd में, जिसको हम बोलते हैं सोशल एंड एप्लीकेशन नीड्स। समझ आ गया, तो आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने नीड्स नंबर 4th को। 4th नीड्स का नाम है सेल्फ स्टीम नीड्स। देखो सेल्फ स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम मतलब होता है अपनी मान सम्मान, अपनी इज्जत की बात है, यहाँ पे झुकेगा नहीं।
अपने इज्जत की बात है तो यहाँ पर सॉरी मैंने उल्टा बोला उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पर बात किसके कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेल्फ स्टीम की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। एक इंसान को जब हर चीज प्रायोरिटी पूरी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हो जाता है। इसी तरह से एक सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है उसकी, अपने आप को वो अच्छी गुडविल मानने लगता है, अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ स्टीम नीड्स, जहाँ पे वो चाहता है कि लोग मेरा मान सम्मान करें। मान सम्मान ये नहीं कि गली में तो सैल्यूट ठोके, वो तो डॉन को ठोकते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, वो चाहता है लोग उसको अच्छे से पेश आए, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे से बिहेवियर करें। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स। जैसे एक शराबी रोड पे दारू पी के पड़ा हुआ है गंजेड़ी सा, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसको हाथ जोड़ोगे, उसको सरसर करके बोलोगे, क्या बोलोगे, अरे निकल बिगाड़ी कहीं का। मगर वो चाहता है ऐसी नीड्स नहीं, वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि उसको एक रिस्पेक्ट मिले। सर साइड हो जाइए थोड़ा, जैसे कि कंपनी में किसी मैनेजर को मिलता है, किसी पोस्ट वाले बंदे को मिलता है, फौजी को मिलता है, पुलिस को मिलता है, तो इस तरह से उसको अपनी नीड सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये थी हमारी पॉइंट नंबर फोर्थ, इसको बोलते हैं हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नीड। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स वो नीड्स होती है जहां पर एक आदमी सारी नीड्स को फुलफिल कर लेता है और यहां पर एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, आनंद उठाने के लिए सोचता है। ठीक है, इस नीड्स को सबसे एंड में रखा गया है क्योंकि यहां पे आता है सेल्फ फुलफिलमेंट। अपनी नीड्स को ही सारी पूरी की पूरी करने के बाद जो नीड्स बचती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कहलाती है। तो ये थे आपके पांच पॉइंट्स जो मैंने आपके बताए मास्लो थ्योरी के अंदर। चलो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली पॉइंट्स साइकोलॉजिकल नीड्स, जहां पर हमें क्या क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। सेकंड नीड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जहां पर क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर थर्ड जिसमें हमने पढ़ा सोशल एंड एप्लीकेशन नीड्स, जहां पर हमें रिलेशनशिप चाहिए, लव्स चाहिए, अपने फ्रेंड्स चाहिए, सर्कल्स चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, ट्विटर चाहिए, यूट्यूब चाहिए, सब कुछ चाहिए यार। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ जिसका नाम है सेल्फ एस्टीम नीड्स, उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमको अपने रेपुटेशन को, इमेज को कैसे ग्रो करना है। पॉइंट नंबर फोर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सब सारी नीड्स फुलफिल हो जाए तो एक प्राइमरी लग्जरी लाइफ जॉब आप जियो, उसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन नीड्स। समझ आ गया? तो ये थी पूरी मार्शलो थ्योरी प्रायोरिटी नीड्स। समझ आ गया? बस भाई खत्म, खत्म हो गया। अब उसके बाद हम बात क्या करने वाले हैं, एजम्पशंस ऑफ मार्शलो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम पढ़ेंगे मार्शलो थ्योरी जो बनी थी ना इस नीड्स के ऊपर, इसके एजम्पशंस कुछ फायदे हैं या नहीं है। तो देखो भाई, इसके पहले तो फायदे यहाँ पे हैं। ए सेटिस्फाइड नीड डज नॉट मोटिवेट वन, कह रहा है ये सेटिस्फाइड नीड है, ये किसी को मोटिवेट नहीं करती है। हाँ करती है मोटिवेट, मगर किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनी। ये सेटिस्फेक्शन नीड्स होती है, ना कि मोटिवेशन नीड्स। समझ आ गया? पॉइंट नंबर सेकंड, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द हायर लेवल नीड्स ऑफ एक्टिवेट। कह रहा है जैसे आप गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, जब आप एक लेवल पार करते हो तब आप दूसरे लेवल पे जाते हो ना, तो यहां पर जब आप लोअर लेवल पार करते हो ना, लोअर लेवल की नीड्स पूरी होती है, नंगे पुंगे से लेकर आपके कपड़े, मकान, रोटी, सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद जो नीड्स आती है उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे किसको, हायर लेवल ऑफ नीड्स, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड से चालू होती है जो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीचे, देयर आर मोर वेज ऑफ सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स देन लोअर लेवल ऑफ नीड्स। कह रहा है हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम हायर लेवल और मोटिवेशन लेवल या बोल सकते हो लोअर लेवल की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये थे इसके कुछ अजम्पशन जो मैंने आपको बताए, आपके बुक में थे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो रुको जरा, थोड़ा थम जाओ यार, पहले मैं हट तो जाऊं, ऐसे ही उतारोगे क्या। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ मार्शलो थ्योरी, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ मार्शलो थ्योरी। मार्शलो थ्योरी के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला फायदा है द थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट अ सेटिस्फेक्शन नीड्स इज नॉट ए मोटिवेटर। देखो ये लाइन अभी ही बताई थी मैंने, इसीलिए मैंने पांच बार बोल के बताई थी रिपीट करके, क्योंकि ये वापस आने वाली थी, मेरे को पता था। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये क्या है, एक सेटिस्फेक्शन नीड्स है, मोटिवेशन नीड्स नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नीड्स होती है। ठीक है, किसी भी इंसान को बोलोगे मोटिवेट करने के लिए, तू काम कर ले मैं रोटी दूंगा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन नीड है, वो रोटी तो वैसे भी खाएगा, भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल नीड दे रहे हो आप उसको, कोई ऐसी प्रायोरिटी नीड थोड़ी बता रहे हो उसको। उसके बाद आता है सेकंड, द थ्योरी इज वेरी इंफॉर्मेटिव व्हेन इट कम्स टू कीप अप द सेल्स फोर्स। कह रहा है जब हम सेल्स फोर्स करते हैं या फिर बोल सकते हो हम सेल्स करते हैं, कुछ भी माल बेचते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेटिव नीड होती है। कह रहा है सेटिस्फाई सो दैट दे एग्जिबिट देयर फुल पोटेंशियल्स। कह रहा है हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं या फिर जो इंप्लॉइज हैं, उनके सेटिस्फेक्शन को फुल यूटिलाइज करना, उनके पोटेंशियल को इस्तेमाल करना। जैसे मैंने बताया था 10 ईंटें उठाने की ताकत है तो 6 नहीं उठानी चाहिए, 10 ही उठाएं। पॉइंट नंबर थर्ड,
मार्शल लॉ थ्योरी इज द प्रैक्टिकली सिंपल। मार्शल लॉ की थ्योरी प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है भाई, क्योंकि सारी नीड्स पूरी करनी है सिंपल सी। उसके बाद लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नीड्स है, सब चीज समझ आती है। इट हैज रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटीज, कह रहा है ये एक रिसिप्ट और एक वाइड कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें छोटी छोटी नीड्स, छोटी छोटी वर्ड्स को सिखाया जाता है। तो यहां पर ही आपकी जो बेनिफिट्स है और अजम्पशन है वो खत्म होती है। मार्शल लॉ थ्योरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके क्रिटिजम्स, मतलब कि कुछ कमियां कुछ खामियां, वो मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप इसको अब उतार सकते हो। तो अभी जो मैंने बताया था वो आपने उतार लिया होगा, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं उसके क्रिटिजम्स। मैंने अभी आपको बताया था मार्शल लॉ थ्योरी के बारे में, तो देखो मार्शल लॉ थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, उसके बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस जो अजम्पशंस थे वो मैंने आपको समझाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिटिजम्स क्या है, उसके कुछ नुकसान अगर है या खामियां तो वो क्या है। पहला लिखा है क्रिटिज्म में, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर पर्टिकुलर नीड्स मे डिफर फॉर द पर्सन टू पर्सन, कह रहा है यहाँ पे लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, मतलब कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्रिटिज्म हो जाता है, पता है कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज होता है। सपोज करो यहाँ पे दो पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, दो पर्सन बैठे हुए हैं, पहला पर्सन ये रहा दूसरा पर्सन ये रहा, दोनों ही खाली बैठे हुए हैं और मेरे को अपना काम निकलवाना है, ठीक है। और ये जो है ये एक पैकेट चिप्स है इसके पास, ये बोल सकते हो खाना खा रहा है, ये खाना खा रहा है, और ये जो है ये बेचारा भूखा बैठा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या है, नथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिज्म पर्सन टू पर्सन चेंज कैसे होते हैं, अभी सपोज करो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं आया हूँ, ठीक है, मैंने इन दोनों में से पूछा कि भाई मेरे को ना एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, तो दोनों में से जो भी लेके आएगा ना मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक अच्छी सी मतलब कि स्वीट डिश और ट्रीट का इस्तेमाल करूँगा, मतलब प्रयोग करूँगा, और तुमको एक अच्छी सी होटल में ले जाके वहाँ पे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलवाऊंगा, जैसे रसगुल्ले, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा। मान लो कंट्रोल करो यार, तुम्हारे मुँह में पानी आ रहा है, मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको क्या कहा, अगर तुम मेरे लिए कोई सा भी दोनों में से एक पानी का गिलास लेके आओगे और पानी लेके आओगे पीने के लिए साफ, तो मैं तुमको ट्रीट दूंगा और एक अच्छी सी होटल में, ताज होटल, बढ़िया होटल में लेके जाऊंगा। तो मैं इन दोनों में से मैंने पूछा कौन जाएगा, तो देखो ये पर्सन जो था ये क्या था, भूखा था, तो ये खुश हो गया, ये हैप्पी हो गया, इसने बोला मैं चला जाऊंगा। ये पहले ही खाना खा रहा था, मैंने बताया था चिप्स खा रहा था, तो इसलिए इसको कोई ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं पड़ा, ये कहने लगा मैं नहीं जाने वाला है, मेरे पास पहले ही खाना पड़ा है। तो यहां पर मेरा जो बाइंग मोटिव है या बोल सकते हो जो मेरी यहां पे थ्योरी थी वो फेल हो जाती है इस केस में। इस केस में नहीं, इस केस में मैंने सेटिस्फेक्शन दिया मगर इसमें नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि ये जो नीड्स थी ना इसको नहीं चाहिए थी, इसको ही चाहिए थी। तो यहाँ पे पर्सन से पर्सन चेंज हो जाती है नीड्स, समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ए पर्सन ऑफन सीक्स टू सेटिस्फाई मल्टी नीड्स एट द सेम टाइम, कह रहा है कभी कभी एक टाइम पे एक पर्सन की ज्यादातर नीड्स होती है जिसको हम पूरा नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी नीड्स जो होती है वो कभी जल्दी से पूरा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे पढ़ने वाले बाइंग मोटिव्स। तो देखो मैंने जैसे ही चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था मोटिवेशन और बाइंग मोटिव्स का चैप्टर है, तो मोटिवेशन तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, जी हाँ खत्म हो गया बस। अब हम पढ़ने वाले बाइंग मोटिव क्या होता है, तो देखो हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा बाइंग क्या होता है। बाइंग मतलब क्रय करना, मोटिव मतलब प्रेरणा, क्रय प्रेरणा, क्रय प्रेरणा होती क्या है, किस दो लड़कियों का नाम ले लिया भैया, तो देखो लड़कियों का नाम नहीं है, छोरियों का नाम होता है, समझदार बनो यार। तो देखो बाइंग मोटिव, क्रय प्रेरणा होती क्या है, तो देखो पहले तो बाइंग आपको पता ही होगा, बाइंग जिस भी चीज को हम खरीदते हैं पैसे देकर उसको बाइंग कहा जाता है, समझ आ गया। मोटिव, मोटिव मतलब हमने उसको किस इच्छा से खरीदा वो मोटिव कहलाता है, प्रेरणा, ठीक है, जिसको भी हम पढ़ते हैं, अभी हमने सारा प्रेरणा ही पढ़ा था, मोटिव पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाइंग मोटिव, तो बाइंग मोटिव का एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो सपोज करो मुझे एक गर्मी, मेरे को यहाँ पे बोल सकते हो बहुत सारी गर्मी हो रही है, तो गर्मी के लिए मुझे एक एसी चाहिए, क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो मैं गया एक शॉप के पास और शॉप पे जाने के बाद मैंने एक अच्छा सा एसी पसंद करा, 2 टन का, कितने टन का, 2 टन का एक एसी था, वो मैंने परचेस कर लिया, क्या था, एसी, और मैंने वो एसी खरीद लिया। तो यहाँ पर जब मैंने एसी खरीदा ना, ये तो मैंने करा बाइंग, क्या करा,
बाइंग, अभी मैंने क्या करा लिया, बाइंग करा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, एसी जो मैंने खरीदा है वो किस मोटिव के लिए खरीदा है, वो मोटिव जिस चीज के लिए मैंने प्रोडक्ट को खरीदा, मेरी इच्छा क्या है, उसको खरीदने के पीछे का मकसद क्या है, इसको बोलते हैं हम मोटिव। क्या बोलते हैं? मोटिव। तो देखो, मैंने जो एसी खरीदा वो इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे क्या आ रहे थे, पसीने आ रहे थे, मेरे क्या है, पसीने छूट रहे थे, है ना। गर्मी का मौसम है, यहाँ पे मौसम कौन सा था, समर का मौसम था, और गर्मी ज्यादा हो रही थी, हॉट ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा हॉट ज्यादा हो गया था। तो इसीलिए तो हमने एसी खरीदा कि हमें कोल्ड होना चाहिए, हमें ठंडा लगना चाहिए, हमारा मोटिव भी पूरा हो गया और हमने बाइंग भी कर ली, और इसी को क्या कहेंगे हम, बाइंग मोटिव। हमने बाइंग करा एसी, मोटिव क्या था, गर्मी लग रही थी, हॉट हो रहा था अंदर से, कोल्ड चाहिए था, तो हमने क्या करा, एसी खरीद लिया। बस सिंपल सी बात है यार, बाइंग मोटिव यही होता है और क्या होता है। बाइंग मोटिव मतलब अगर आप किसी भी चीज को खरीदो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अब ये एसी को मैंने कहाँ लगाया होगा, मेरे घर में लगाया होगा, मेरी दीवार पे लगाया होगा, इस बोर्ड के ऊपर भी लगा हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा हो सकता है, मैंने क्रॉप कर दी वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एसी को अपने घर में टांगा, एसी टांगा, मुझे मिली सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर मेरा जो खरीदने का सेटिस्फेक्शन मिला और उससे मेरी इच्छा जो पूरी हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंग मोटिव। क्या बोलेंगे? बाइंग मोटिव। समझ आ गया? सपोज करो, एक और एग्जांपल लेते हैं। नहीं भैया, इतने एग्जांपल नहीं दे सकते, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। नहीं नहीं, हम देते हैं। तो देखो, सबसे दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे दांत में होते हैं कीड़े, कैविटी लग रही है, मेरे को कोलगेट का किसी ने सजेस्ट करा, मैं दुकान पे जाके कोलगेट खरीद के लाया, ये क्या हुआ, बाइंग हुआ। हाँ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि मेरे को वहां से कोलगेट खरीदने का है, मैंने कोलगेट खरीदा, मैंने उसको दांत में घसा, घसने के बाद मेरे दांत चमचमाने लगे, मोतियों की तरह, हीरे की तरह चमकने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मोटिव क्या था, मेरा मोटिव कोलगेट को खरीदना यही था ना, कि मेरे दांत साफ हो, मेरे दांत अच्छे हों, स्वस्थ हों। और यहाँ पर मैंने जब कोलगेट खरीदा, वो बाइंग, और मेरा मोटिव जो था वो पूरा हो गया, मैं सेटिस्फाई हो गया, दांत साफ हो गए। तो ये होता है बाइंग मोटिव। समझ आ गया? अब आइए इसको थोड़ा सा बुक की लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो बुक की लाइन में लिखा है, ए मोटिव इज द इनर स्टेट दैट मूव्स, कह रहा है एक अंदर की भावना या अंदर की फीलिंग जो हमें किसी भी काम को करने के लिए पैर अपने आप चलने लगे उस तरफ, ठीक है। कह रहा है टू प्रॉम्प्ट्स ए पर्सन टू एक्शन, और उस काम को करने के लिए आदमी चलने लगे। उसके बाद लिखा इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, जे डी, यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डी जे, उसके बाद लिखा यहाँ पे डूडियन, डूडियन एक प्रोफेसर थे जिन्होंने बाइंग मोटिव की डेफिनेशन लिखी थी। आगे लिखा उसके बाद, बाइंग मोटिव आर दोज इन्फ्लुएंस आर कंसिडरेशन विच प्रोवाइड द इम्पल्स टू बाय इंड्यूस एक्शंस ऑफ डिटरमाइंड चॉइस इज द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है बाइंग मोटिव एक इस तरह का इन्फ्लुएंस है, एक इस तरह की प्रेरणा है जो हमें अंदर से आती है किसी चीज को खरीदने के लिए, और हम उसको खरीदने की तरफ जाते हैं। हमारी इच्छा जब होती है तो हम उसको खरीदने जाते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस के रूप में हो, वो होती है हमारी बाइंग मोटिव। आ गया समझ में? अब देखो नीचे उसके बाद लिखा है टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स जो है ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मगर आपके बुक्स में इतने ज्यादा टाइप नहीं है, तो अब मैं आपको गिने चुने चार टाइप्स बताऊंगा जो मोस्टली आते हैं, मगर इतने भी नहीं आते, सिंपल से दो टाइप हैं जो आएंगे पेपर में। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सेकेंड वाला और दूसरा है थर्ड वाला। बस ये दोनों मोटिव आपको याद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा भैया? चारों में याद नहीं होंगे, हमसे एक बता दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई रेशनल एंड इमोशनल, ठीक है, और बाकी तो मैं बस ऐसे ही ऊपर से हवा में तीरों की तरह समझा दूंगा। तो देखो भाई, पहला आता है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजिकल में बताया था जो आपकी प्राइमरी डिमांड होती है, क्या क्या डिमांड होती है, मास्लो की पहली थ्योरी में बताया था मैंने, बंदा नंगा पुंगा आता है तो क्या क्या डिमांड मांगता है, सिंपल सी बात है, हवा पानी खाना पीना रहना सोना, ये सारी चीजें। सोशियोलॉजी सेफ्टी वगैरह, तो ये होती है हमारी पहली टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव। समझ आ गया? दूसरी आती है प्रोडक्ट एंड पोर्ट्रोज। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट एंड पोर्ट्रोज। देखो पोर्ट्रोज क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बाइंग मोटिव जो है ना अलग अलग तरह की होती है, इसको भी मैं समझाऊंगा। थर्ड आती है हमारी रेशनल एंड इमोशनल। फोर्थ आती है प्राइमरी एंड सिलेक्टिव। प्राइमरी मतलब जो हमारी पहली इच्छा है, जिसको भी हम प्राइमरी देना चाहते हैं। मान लो जैसे कि मेरे को भूख लग रही है, तो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वैसे होती क्या, नॉर्मल सी बात है, खाना पीना रहना सोना, ये सारी है। सिलेक्टिव ऐसी ऑब्जेक्टिव जिसके बिना हम रह सकते हैं, मगर हमें शो ऑफ करना है, दूसरों को दिखाना है, तो इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं दो जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, अब मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट एंड पोर्ट्रेज। देखो पोर्ट्रेज और प्रोडक्ट ये होती क्या है,
हम किसी भी दुकान पे अगर सामान खरीदने जाते हैं, सपोज करो मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूँ, जी मेरे को एक हेयर कटर की, मेरे को हेयर कटाने मतलब जैसे पसंद है बाल कटवाना, तो मैंने एक नाई की दुकान सोच रखी है कि मैं ना हर बार जाके इस नाई की दुकान पे बाल कटवाऊंगा, ठीक है। अब मैं मान लो बाल की दुकान छोड़ो, मैं अगर बोलता हूँ मैं किसी शॉपकीपर की दुकान पे जाके कुछ सामान खरीदूंगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, एक बाइंग मोटिव बन जाता है। मैं किस लिए उस दुकान पे जा रहा हूँ, उसके अलावा भी तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, मगर मैं एक ही दुकान पे जाता हूं, उसी दुकान पे उसी प्रोडक्ट को लेता हूं, तो उस प्रोडक्ट से मेरी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, इसलिए हम यहां पे प्रोडक्ट को चूज करते हैं। सेकंड इसका टाइप है जिसका नाम है पोर्ट्रोंच। देखो पोर्ट्रोंच का मतलब होता है, अभी हमने देखा प्रोडक्ट के पास मैं जा रहा था बार-बार, अब मैं जाऊंगा शॉपकीपर के पास। सपोज करो मेरे को अंदर से खुशी हो रही है, मान लो मैं एक दुकान पे जाता हूं, वहां दिख गई एक प्यारी सी कन्या, आए हाय हाय आए मजा आ गया, वहां दिख गई एक प्यारी सी कन्या, ठीक है, और कन्या कौन, उर्वशी रोटेला, कैटरीना कैफ, ऐसा कुछ भी मान लो, वहां पे एक प्यारी सी कन्या बैठी थी। अब मैं बार बार उसी दुकान पे चक्कर काट काट के सामान लेने जाता हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पैट्रोन्स मिल रहा है, पैट्रोन्स मतलब मेरे को कुछ लगाव है उस शॉपकीपर के प्रोडक्ट से, नहीं शॉपकीपर से, और उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हाय हाय, तो इसीलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ बार बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट्स। और दूसरा, अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता हूँ और प्रोडक्ट के लिए जाता हूँ दुकान पे, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। समझ आ गया, दोनों को फर्क पता चल गया, प्रोडक्ट की वजह से जाओ किसी भी दुकान पे बार बार लेने प्रोडक्ट, तो वहां पे प्रोडक्ट हो जाता है। सेकंड पोर्ट्रेट, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर से, जैसे आपके दिमाग में भी होते हैं ना काफी सारे शॉपकीपर, बार बार की दुकान है जैसे मैंने बताया, तो मेरा एक पर्टिकुलर फेमस बार्बर है बोल सकते हो, या फिर मैं जिससे बाल कटवाता हूँ वो एक ही है तो बहुत सारे, मगर मुझे एक से ही पसंद आती है तो मैं उसी से कटाता हूँ, वो बाल वाला नहीं होता तो मैं वापस आ जाता हूँ, बाल वाला नहीं बाल वाली है एक्चुअली, वो नहीं होती तो मैं वापस आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं एक ही पे क्यों जा रहा हूँ, बाइंग मोटिव इसी को कहते हैं। आपको भी कोई ऐसी दुकान होगी जिससे आपको जाना पसंद है, जिस पे घूमना पसंद है, तो आप भी उस पे जाओगे, ठीक है, तो समझ गए ना बात, तुम बस तो फिर इतना काफी है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है रेशनल एंड इमोशनल, तो देखो दूसरा बाइंग मोटिव का टाइप्स आता है रेशनल और इमोशनल, ये भी दोनों मैं आपको बताऊंगा, इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे भैया ब्रीफ में, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, नीचे से पढ़ाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो नीचे भी लिखा हुआ है रेशनल बाइंग मोटिव, तो यहां से पढ़ेंगे हम रेशनल बाइंग मोटिव से, ठीक है, यहां पर लिखा है आर मेड फॉर प्रोडक्ट Which requires in depth research, कह रहा है ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छी खासी नॉलेज देते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंफॉर्मेशन एंड मोर एक्सटेंसिव नॉलेज, कह रहा है जो एक प्रोडक्ट है ना वो एक कंज्यूमर को एक अच्छी खासी डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या करे, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ एक्सटेंसिव नॉलेज भी देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है इंफॉर्मेशन भी देता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, रेशनल बाइंग मोटिव। एक क्या होता है, एक होता है रेशनल बाइंग मोटिव, एक होता है इमोशनल बाइंग मोटिव। रेशनल बाइंग मोटिव में वो बाइंग मोटिव आते हैं जहां पर हम किसी प्रोडक्ट मान लो दुकान से खरीदने जाते हैं, तो उससे मेरा कोई एक रिलेशन सा बन जाता है कि नहीं यार मैं तो इसी से जाके दुकान से सामान लूंगा, जो सामान दूसरी दुकान पे भी मिल रहा है सेम रेट पे मिल रहा है हम फिर भी उस दुकान से लेते हैं। हो सकता है यहां पर उस प्रोडक्ट के प्रति हमारा लगाव ज्यादा हो, या उस दुकान वाले से हमारा एक रिलेशन सा हो, अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है तो हम उससे लें, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बाइंग मोटिव। समझ आ गया, यहां पे उसके एडवांटेजेस लिखे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला लिखा है वेयर द बाइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, कह रहा है हमें लगता है जहां हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हम वहां पे जाते हैं। ये देखो रेशनल में मेरे काफी सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं किसी एक कारण किसी छोरी को देखने जा रहा हूं, ऐसा मत सोचा करो बार बार, यहां पर काफी सारे कारण है जो मैंने लिखा एडवांटेजेस में, जैसे कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है वहां पे। दूसरा चीज सेविंग ऑफ टाइम, मेरा टाइम वहां पे ज्यादा बच जाता हूं, ठीक है वो तो वेस्ट हो ही जाएगा ना जब छोरी होगी तो। सेकंड के बाद थर्ड चीज डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरह के यूज होते हैं। उसके बाद यहां पे लिखा बेटर प्रोडक्ट्स कंपेयरिंग टू अदर, क्या पता वो जो प्रोडक्ट है दूसरी दुकानों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो तो मैं जा रहा हूं उस दुकान पे। उसके बाद थर्ड आता है फिफ्थ आता है मेंटेन कंटिन्यूटी टू सप्लाईज, उसकी सप्लाई जो है कंटिन्यूटी होती है, मतलब कि ये बोल सकते हो कोई स्टॉक में माल खराब नहीं होता, ठीक है, एक्सपायरी डेट का माल नहीं मिलता है, एक नया माल मिलता है, इसको हम जाते हैं वहां पे। उसके बाद लिखा है सेव द स्पेस इन कीपिंग द प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की जो स्पेस है या फिर बोल सकते हो उनको रखने का तरीका या फिर उससे कुछ भी अट्रैक्शन ऐसा हो जहां पे मैं बार बार जा रहा हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहां पे रिलेशन बाइंग मोटिव। समझ आ गया, अब हम पढ़ेंगे इमोशनल बाइंग मोटिव, तो पहले आप इसको उतार लो।
हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा था रेशनल बाइंग मोटिव्स, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इमोशनल बाइंग मोटिव्स क्या होता है। इमोशनल बाइंग मोटिव्स एक इस तरह का मोटिव है खरीदने का, जब आप भी किसी भी माल को परचेस करते हो या किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो उसके पीछे जो मोटिव होता है ना, वो आपका कोई इमोशनल रीजन होगा, मतलब कि लॉजिकल नहीं होगा, इमोशनल होता है कि आपको लग रहा हो किसी से डर या किसी से लव अफेक्शन या किसी से रिलेशनशिप, इसके मारे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसको बोलते हैं इमोशनल बाइंग मोटिव। यहाँ पे लिखा है मैंने लिस्पन एंड डार्लिंग, नाम तो बड़े अच्छे हैं यार वैसे तो, लिप्सन एंड डार्लिंग स्टेट दैट द इमोशनल बाइंग मोटिव्स आर रिलेटेड विद मोटिव्स टू मेंटेन हेल्थ सिक्योरिटी बेटर लिविंग पावर। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो बाइंग मोटिव है ये रिलेटेड होते हैं किससे, यहाँ पे लिखा मेंटेन हेल्थ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके बेटर लिविंग पावर से रिलेटेड हो सकते हैं। सिक्योरिटी से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको पता होगा, आप LIC खरीदते हो, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप जीवन बीमा कराते हो, पॉलिसीज लेते हो उसकी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डर होता है, डर के मारे आप लेते हो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बोला सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सपोज करो आज मैंने एक मर्सिडीज निकलवाई किसी शोरूम से, मेरे रिलेटिव्स को जलाने के लिए, या फिर बोल सकते हो मेरे फ्रेंड्स को जलाने के लिए मैंने एक मर्सिडीज निकलवाई, यहाँ पर जब निकलवाई तो वो मेरे सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने निर्णय लिया या फिर जो लेने का डिसीजन लिया है वो इमोशनली लिया है, मैंने किसी भी तरह से रेशनल लॉजिकल नहीं लिया, मैंने किसने लिया है बिना लॉजिकल के लिया है, मतलब कि सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को बस खुद को ऊपर दिखाने के लिए। आगे लिखा यहाँ पे क्यूरियसिटी, यहाँ पे लिखा है क्यूरियसिटी, उसके बाद लिखा लव अफेक्शन एटसेट्रा, तो यहाँ पर इस तरह के बाइंग मोटिव्स भी आते हैं। अब हम नीचे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स तो हम समझ गए, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, एक रेशनल में और एक इमोशनल में, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, आराम से आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट इज दैट मोटिव वेयर द बायर मेक्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एंड ऑब्जेक्शन रीजन। कह रहा है इमोशनल और जो बाइंग है, और यहाँ पे जो रेशनल बाइंग है, रेशनल बाइंग में एक आदमी या एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीदने का निर्णय जब लेता है तो वहाँ पर वो उसको एक लॉजिकल टर्म ऑफ कंडीशन में देखता है, ऑब्जेक्टिव रीजंस की वजह से देखता है। अगर मान लो मेरे को AC खरीदना है तो AC क्यों खरीदना है, क्या गर्मी हो रही है नहीं हो रही, सर्दियों के अंदर AC खरीद रहा हूँ मैं बस ये दिखाने के लिए कि मेरे पास है सेटिस्फेक्शन के लिए, लोगों को जलाने के लिए, और सर्दी के टाइम पर खरीद रहा हूँ AC, तो इसका कोई मतलब या लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पर जो है किस लिए खरीदा जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव रीजन, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम इमोशनल बाइंग मोटिव्स, तो इमोशनल बाइंग मोटिव्स के अंदर यहाँ पे इट इज दैट मोटिव वेयर द बायर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशनल सेंसेस। एक ऐसा बाइंग मोटिव है जहां पर एक आदमी जब कुछ खरीदता है तो वो एक इमोशनल सेंस की वजह से खरीदता है, एक लव अफेक्शन बोल सकते हो, एक रिलेशन बोल सकते हो, एक डर बोल सकते हो, एक रिस्क बोल सकते हो, तो इनके कारण वो यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदता है, तो इसको बोलते हैं इमोशनल सेंस ऑफ बाइंग मोटिव, समझ आ गया। अब हम उसके बाद नीचे देखेंगे पॉइंट नंबर टू, इसमें लिखा है इट इज इंटेंटिव इन थ्रो द नीड्स ऑफ द बायर। कह रहा है ये जो बायर है, जो बायर मतलब कि जो खरीद रहा है, उसकी नीड्स जो है उसके इंटेंटिव होता है, वो देखता है अपनी नीड्स को, इसकी वांट है, जरूरत है तो खरीदे वरना नहीं खरीदेगा। यहाँ पे लिखा है इट इज इंटेंटेड बाय द डिजायर ऑफ द बायर, यहाँ पर जो बायर की डिजायर्स है, जो इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग खरीदा जाता है, ठीक है। उसकी इच्छा अगर मान लो किसी से डर लग रहा है, लव अफेक्शन है वगैरह वगैरह, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो करने के लिए भी ले सकता है, अपनी क्यूरियसिटी को देखने के लिए ले सकता है, लव के लिए ले सकता है, के वजह से ले सकता है, यहाँ पे लिखा है बेटर लिविंग पावर के लिए ले सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है जो यहाँ पे खरीदता है। अब इसके यहाँ पे रीजंस भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव जो मैंने ऊपर बताए थे अभी हाल ही में, बस उसको नीचे यहाँ पे एग्जांपल में रख दिया है। यहाँ पे लिखा है RBM मतलब कि रेशनल बाइंग मोटिव्स के ऑब्जेक्टिव, RBM मतलब रेशनल बाइंग मोटिव्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है इकोनॉमी, हम किसी इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से खरीदते हैं, या फिर ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, या फिर सूटेबिलिटी, या फिर सेफ्टी के रीजन की वजह से खरीदते हैं। इसमें कब खरीदते हैं, इमोशनल बाइंग मोटिव EMB, इसमें खरीदते हैं हम जब यहाँ पे प्राइड दिखाना हो अपने आप को, गर्वित, या फिर बोल सकते हो फियर, प्रेस्टीज, लव, स्टेटस, क्यूरियसिटी, सुपर ईगो, ईगो, इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए हम इमोशनली खरीदते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, यही डिफरेंस आपको लिखना है, बाइंग मोटिव आ गया। तो उसके बाद नीचे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि बाइंग मोटिव के क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने लिखी है सक्सेस ऑफ सेल्समैनशिप, एक सेल्समैनशिप की सक्सेस के लिए बाइंग मोटिव इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट नंबर टू फैसिलिटीज प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग की फैसिलिटीज होती है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है फैसिलिटीज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग में अलग अलग तरह की प्राइसिंग होती है जहाँ पर हमको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्रिएट करने के लिए ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर फैसिलिटी ऑफ प्रमोशनल टूल्स, अपने किसी टूल्स को या किसी भी तरह के मोटिव को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशनल के लिए भी खरीदते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव, और बाइंग मोटिव और मोटिवेशन के बाद आपका पूरा चैप्टर बाइंग मोटिव मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं हटूंगा तो आप इसको उतार भी लेना, आराम से उतार लेना। अभी वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है, एक लास्ट यूनिट रहती है यूनिट नंबर 5, इसके बाद फोर्थ यूनिट पूरी खत्म हो गई है, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए कवर। 1, 2, 3, 4 जितनी भी यूनिट है सारी यूनिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वहां से चेकआउट कर लेना, एक एक करके सारी यूनिट्स आप देख सकते हो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और अभी आपको अगर किसी को नोट्स परचेस करने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नोट्स हैंड रिटन है इंग्लिश में, आराम से आप पढ़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे हमें नोट्स परचेस कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को बढ़ाने में यार बड़ी ज्यादा मेहनत लगी है, प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी अपडेट आपको वीडियो की यहाँ पे मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।